नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। क्लासिक किस्से के इस पहले एपिसोड में चलिए हम आपको वो किस्सा सुनाते हैं जब अपनी जबरदस्त शरारतों के लिए मशहूर किशोर कुमार खुद ही एक शरारत के शिकार हो गए। दरअसल यह पूरा वाक्या है सन 1982 में आई सुपरहिट फिल्म नमक हलाल के सुप्रसिद्ध गीत पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी के रिकॉर्डिंग से जुड़ा हुआ। हुआ कुछ यूं था कि जब इस गाने के संगीतकार बप्पी लाहिड़ी किशोर दा से मिले और उन्हें इसका धुन सुनाया तो किशोर दा ने अपने चिरपरिचित अंदाज में बप्पी लाहिड़ी से कहा कि भांजे, ये गाना मुझसे ना हो पाएगा। अमा यार, तुमने इसमें इतनी लंबी लंबी ताने और सरगम वर्गम भर रखे हो कि इसे किसी क्लासिकल ट्रेंड बंदे से गवाओ। बप्पी दा बड़े पशुपेश में पड़ गए। अगर किशोर दा यह गाना नहीं गाएंगे तो फिर किससे यह गाना गवाया जाए। दरअसल उन दिनों किशोर कुमार अमिताभ बच्चन के लगभग हर गानों को गाया करते थे और इन दोनों की जुगलबंदी उन दिनों खूब हिट हो रही थी। इन सबको देखते हुए बप्पी दा इसका एक तोड़ निकाले और किशोर दा से कहा कि ये गाना सिर्फ और सिर्फ आफी की आवाज में फिट हो सकती है। और जहां तक इस गाने के क्लासिकल सरगम वाले भाग की बात है तो इसे आपसे मिलते जुलते आवाज के किसी अन्य क्लासिकल ट्रेंड गायक से गवा लिया जाएगा। काफी नानुकुर के बाद किशोर दा को बप्पी लाहिड़ी मनाने में सफल हो पाए। इस गाने के क्लासिकल भाग को छोड़कर किशोर दा ने सारा का सारा गाना बड़े ही खूबसूरत अंदाज में गाया और इसके क्लासिकल भाग को गवाया गया महान क्लासिकल गायक पंडित सत्यनारायण मिश्रा जी से। इस गाने को रिकॉर्ड किया गया था वेरी फेमस महबूब स्टूडियो में तथा इसे रिकॉर्ड करने में कुल 5 दिनों का समय लगा था। इस गाने के रिकॉर्डिंग के 5वें दिन में किशोर दा के साथ वो घटना घटी जिसका जिक्र हमने वीडियो के थंबनेल में किया है। दरअसल 5वें दिन की रिकॉर्डिंग रात के 11 बजे तक चली और रिकॉर्डिंग पूरा करके बप्पी लाहिड़ी, किशोर दा और फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। पर प्रकाश मेहरा ने बप्पी लाहिड़ी और किशोर दा से कहा कि आप घर के लिए निकलो, मैं थोड़ी देर बाद निकलूंगा। यह कहकर प्रकाश मेहरा अपने असिस्टेंट डायरेक्टर से जाकर मिले और गाने की रॉ प्रिंट्स को देते हुए कहा कि तुम इसे अच्छी तरह से डेवलप करवा के अपने साथ घर लेते जाना ताकि कल सुबह इस गाने की शूटिंग जल्दी से पूरी की जा सके। जब प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट ने हामी भरी तो वो भी निश्चित होकर अपने घर चले गए। प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट ने इस गाने को स्टूडियो में अच्छी तरह से डेवलप करवा के अपने साथ घर ले गए। अब यहाँ संयोग देखिए कि प्रकाश मेहरा के ये असिस्टेंट किशोर दा के घर के पड़ोस में ही रहते थे। घर पहुंचकर प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट ने रिकॉर्डिंग की क्वालिटी को जांचने तथा किशोर दा से शरारत करने के लिए गाने को फुल वॉल्यूम में स्पीकर पर बजाना शुरू किया। इस वक्त रात के लगभग 1 बज रहे थे। रिकॉर्डिंग से वापस आकर इत्मीनान से सोए किशोर कुमार ने जब इस गाना को सुना तो हड़बड़ाकर उठ गए और तुरंत ही बप्पी लाहिड़ी को फोन लगाया और कहा कि भांजे, किसी ने तुम्हारा गाना चुरा लिया है और फुल वॉल्यूम में मेरे घर के बाहर बजा रहा है। बप्पी दा भी हड़बड़ा गए। उन्होंने तुरंत प्रकाश मेहरा को फोन लगाया और किशोर दा की कही सारी की सारी बात एक ही सांस में सुना डाली। यह सुनकर प्रकाश मेहरा भी सकते में आ गए, पर उन्हें तुरंत ही याद आया कि उन्होंने खुद ही तो अपने असिस्टेंट को कहा था कि गाना डेवलप करवा के अपने घर लेते जाना क्योंकि सुबह जल्दी इसकी शूटिंग पूरी करनी है। प्रकाश मेहरा ने वापस किशोर कुमार को फोन लगाया और सारा वाक्य समझाया कि दरअसल कौन इस गाने को बजा रहा है। यह सुनकर किशोर दा ने अपना माथा पीट लिया और कहा कि आज तक मैंने ही लोगों से शरारत किया है, पर आज तो खुद ही एक शरारत मेरे साथ हो गई। तो ऐसे थे हम सबके प्यारे किशोर कुमार। खैर, इस गाने से जुड़े हुए कुछ अन्य बातें भी आपको बताता चलूं कि इस गाने के लिए किशोर कुमार को उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था जो कि इनका 5वां फिल्म फेयर अवार्ड था। इस गाने को लिखा था मशहूर गीतकार अनजान साहब ने। जी हाँ, उन्हीं अनजान साहब ने जिन्होंने मुकद्दर का सिकंदर, डॉन, शराबी और याराना समेत कई सुपरहिट फिल्मों के गाने लिखे थे। और हाँ, आजकल के मशहूर गीतकार समीर अनजान भी इन्हीं के बेटे हैं। तो ये थी महान गायक किशोर कुमार से जुड़ी हुई हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।